ओम शांति। आज सुंदर तपस्या जनवरी मास, बाबा से मिला हुआ वरदानी मास, जो आत्माएं इस मास में बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगी, अपने किसी विशेष संस्कार में परिवर्तन लाएंगी, उनका वो परिवर्तन अविनाशी हो जाएगा। तो आज हम ध्यान दें, हमें फरिश्ता बनना है, हमें घर चलना है। फरिश्ता बनकर हम घर जाएंगे, कोई भी बंधन, कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर न खींचे, अन्यथा हमें घर जाने में बड़ा कष्ट होगा। इसलिए हम प्रकृति के आकर्षण से, देह के आकर्षणों से ऊपर उठते चलें, क्योंकि आकर्षण हमें प्रभु की ओर नहीं जाने देंगे। ऊपर से हमारा आकर्षण कम होता जाएगा। जैसे कहावत है, फरिश्तों के पैर पृथ्वी पर नहीं टिकते, एक फुट ऊंचे होते हैं, वैसे ही हमारे पैर इस धरती पर, इस देह में न रहें, हम इस देह से बाहर रहें, देवांग से परे, और इस संसार में जो भी वैभव हैं, प्राप्तियां हैं, भले ही वो हमारे पास हैं, हम उनके लिए कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पर उनमें हम अटके न हों, डिटैच हों, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहें। तो आइए आज स्वयं पर एक दृष्टि डालें कि हम प्रकृति के अधीन न हो, हम तो प्रकृति को अधीन करने वाले हैं। दो युग तक प्रकृति हमारे अधीन रहेगी, तो वो यही हमें कर लेनी है। सबसे पहली प्रकृति है ये देह, मैं आत्मा इस देह में हूँ, इससे न्यारी हूँ, बिल्कुल ये क्लियर फीलिंग हो देह का आकर्षण। ऐसा ना हो मुझे देहवान में रखता हो और ऐसा दीदी होने ही न देता हो, तो आज चेक कर ले कहाँ मेरी बुद्धि आकर्षित है, किसी देहधारी में, अपनी देह में, या वैभव में, पदार्थों में, खान पान में, या किसी विशेष वस्तु में। सबसे ज्यादा प्यार मनुष्य को अपनी देह से होता है। कुछ विशेष चीजें होती हैं जिनसे हर मनुष्य बहुत प्यार रखता है। ठीक है, वो आपके पास हैं, प्यार रखना जरूरी है, परंतु उनसे डिटैच रहना फरिश्ता बनने के लिए परम आवश्यक है। तो आज हम स्वयं को धरती के आकर्षणों से परे, पांच तत्व और पांचों विकारों के आकर्षण से परे फरिश्ते रूप में स्थित रखेंगे। संकल्प कर लें, मैं इस धरा पर अवतरित फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा देह भी लाइट का है, मेरा मन भी लाइट और आत्मा भी लाइट है। अपने मन को भी बहुत हल्का रखना है। हम यदि मैं और मेरेपन में रहते हैं तो आकर्षण होता है, और कहीं ना कहीं मन भारी अवश्य रहता है, मन पर छोटा मोटा दबाव बना ही रहता है। इसलिए अपने को डबल लाइट रखना है, सारे बोझ बाबा को दे देने हैं और ज्ञान के बल से स्वयं को हल्का रखना है। एक सुंदर संकल्प ये भी रखना है कि ये समय मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरा बाप कल्याणकारी है, मैं स्वयं भी विश्व कल्याणकारी हूँ, तो मेरा ये कल्याण तो होगा ही नहीं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता रहेगा। ये संकल्प हमें बहुत हल्का रखेगा, बाबा के समीप रखेगा। तो आइए आज सारा दिन स्वयं को सभी आकर्षणों से ऊपर रखें, मैं आत्मा भी
इस देह प्रकृति की मालिक हूँ, ये फीलिंग, कर्मेंद्रियों की भी मैं मालिक हूँ, और मैं फरिश्ता हूँ, अपने को देखा करें, कभी मैं आकाश में हूँ, प्रकृति का मालिक। इस प्रकृति को हम वाइब्रेशंस दे रहे हैं, और कभी मैं सूक्ष्म लोक में हूँ, बाबा के बिल्कुल पास, बाबा के साथ रास करते रहें, बाबा से गले मिलते रहें, बाबा की दृष्टि लेते रहें। तो आज ये दोनों प्रैक्टिस हम करेंगे, प्रकृति को सकाश देना और सूक्ष्म लोक में फरिश्ते बनकर बार बार जाना।